असलकम सियासी डेरा पर खुश आमदेद हमारी दुआ है कि आप जिधर भी हैं अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास फजल और रहम फरमाए तो दोस्तों कश्मीरियों का वोट चोरी हो गया है और अब बनेगा नया कश्मीर जैसा कि इमरान ख़ान साहब फरमा रहे हैं कि अब नया कश्मीर बनेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन में हुआ क्या है और इसकी पहले ही इतला दे दी गई थी कि तहरीक इन एज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी हम तीन चार दिन पहले एक वीला कर चुके हैं आप देख सकते हैं तो कश्मीर में पीटीआई का ना कोई अपना उम्मीदवार था अंदाज़ा लगाए ज़रा कि अपना कोई उम्मीदवार नहीं था कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था कोई कारकुन कोई अहदेदार कोई सपोर्टर कोई वोटर कुछ भी ग्राउंड पे नहीं था और शेख रशीद और दूसरे वफाकी वज़रा पिछले दस बारह दिन से एक माहौल बना रहे थे कि कश्मीर में पी टी आई बीस से पच्चीस सीटें लेगी और हुकूमत बनाएगी इसका फ़ैसला हो चुका है तो दोस्तों फ़ैसला पहले हो चुका था हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के एक बड़े घर में छः सात अरब रुपए में डील हुई और एक बंदा उसमें से बाद में पकड़ा गया जिसने एक अरब रुपया लिया था लेकिन बाक़ी जो छः अरब रुपया था वो किस किस को बांटा गया वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये लिस्टें पहले बन चुकी हैं कौन कौन सा उम्मीदवार जीतेगा कौन कौन सा उम्मीदवार हारेगा और किस तरह कश्मीर के आवाम का जो वोट है उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा तो पी टी आई का ना कोई पार्टी ढांचा ना उनका कोई पार्टी स्ट्रक्चर है उधर और जब रात हुई रात आठ बजे तक रात आठ बजे तक मुस्लिम लीग नून छब्बीस सीटों पर बिल्कुल जीत रही थी दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार की लीड से तो क्योंकि फ़ैसला उन्होंने पहले कर लिया हुआ था कि 25 से 26 सीटें पीटीआई को देनी है तो उन्होंने सिस्टम किया बंद हसबे मामूल धुंध पड़ गई हर चीज़ बंद की आरटीएस को बंद किया अमले को बाहर निकाला और कई जगह पे ये शिकायत हैं कि पोलिंग एजेंट्स को गालियां देकर धक्के देकर मार कर बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद जो वारदात डालनी थी तीन चार घंटों में आठ से ले के बारह बजे तक क्योंकि जो बंदे जीत रहे थे मुस्लिम लीग नून के पच्चीस छब्बीस उनको उधर ही ख़त्म कर दिया और उनके जो वोट थे उनके आगे पी टी आई के जो बंदे उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे ऑलरेडी उनके नाम डालकर और पूरे तीन चार घंटे लगा कर, पूरा टाइम दे कर, पूरा सिस्टम सीधा करके उनको जो है वो लीड में लाया गया और उसके बाद यकदम जो इनका सोशल मीडिया सेल है और चंद जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने यकदम वो जो 26 बंदे मुस्लिम लीग नून के जीत रहे थे उनको हरवाना शुरू कर दिया और वो जो 26 पीटीआई के हार रहे थे उनको जितवाना शुरू कर दिया और आखिर में ये ऐलान कर दिए गए कि पीटीआई जो है वो कश्मीर से जीत चुकी है तो ये 2018 में पाकिस्तान में भी यही खेल खेला गया था कि कोई सपोर्ट नहीं थी इमरान खान की कोई वोट नहीं था ग्राउंड पे और जलसों में भी लोग नहीं जा रहे थे तो इसलिए रात को आठ बजे बंद करके तीन चार दिन तक हर चीज़ बंद रखी और उसके बाद फिर भी उसको बड़ी क्लोज जो है फाइट से जिताया गया तो ये सारी वारदात रात के अंधेरे में कश्मीर के गजूर आवाम का वोट चोरी कर लिया गया मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया था नतज बंद कर दिए गए थे और जो लिस्ट जैसा कि हमने पहले बताया कि दो वीक पहले जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में एक बड़े घर में सात अरब रुपए का पैकेज डील तय हुआ एक अरब रुपए वाला पकड़ा गया और छः अरब किस किस को गए किस किस के पास गए वो भी ढूँढना होगा कि वो कौन बंदे हैं जिन्होंने बाकी छः अरब रुपया रिश्वत ली और इनको जितवाया और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीस बीस करोड़ में टिकटें बेची गईं इधर उधर से बंदे पकड़ के तो ये था कश्मीर का इलेक्शन और कश्मीर के केयूर आवाम के साथ ये जो ज्यादी की गई है ये जो उनके साथ ढोंग रचाया गया ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादी है तो अब जिस तरह पाकिस्तान के अवाम रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी को तरस रहे थे इसी तरह ही अब कश्मीर के अवाम भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं उसको तरसेंगे और अब बनेगा नया कश्मीर जिस तरह नया पाकिस्तान बना था शुक्रिया